हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू आर वेल एंड फाइन। तो यस, आज मैं अपनी ये वीडियो डेडिकेट करूँगी इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो यस गाइस, यू नो के वुमेन डे क्यों मनाया जाता है। बेसिकली वुमेन डे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, यानी कि ये दुनिया भर की सारी औरतों के लिए होता है। और पहला जो हमारा वुमेन डे था वो बनाया गया था 1911 को, और ये अब तक हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सो यस, बेसिकली वुमेन डे जो है मार्क करता है वुमेन की अचीवमेंट को, और दूसरा मकसद कि ये जेंडर इक्वलिटी इन्हेंस करता है हमारे माशरे में। नाउ द क्वेश्चन इज, डिड वुमेन डे इज़ जस्ट फॉर ओनली द रोल मॉडल्स? नो, एग्जैक्टली नो। तो सबसे पहले तो 8 मार्च को सुबह उठती है अपनी अपनी मदर को जो है वुमेन डे का कार्ड देना है या फिर उनको विश करना है, क्योंकि वुमेन भी, हमारी मदर भी एक रोल मॉडल हैं सबसे बड़ी बात। उसके बाद आती है हमारी टीचर्स, और उसके बाद वो वुमेन जिन्होंने बहुत से काम किए और जो है इतिहास में अपना नाम लिखवाया, वो लेडीज़ भी हमारे लिए रोल मॉडल से कम नहीं। सो बहुत सी लेडीज़ हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली इंसिडेंट में शेरबानो, ASP शेरबानो, जिन्होंने एक लड़की को रेस्क्यू करके एक रोल मॉडल बनी। उसके बाद बहुत सी रोल मॉडल, बेनजीर भुट्टो हो गई, फर्स्ट फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार, एंड द बेस्ट फीमेल क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ऑल्सो अ रोल मॉडल। सो यस, हैप्पी इंटरनेशनल डे टू ऑल दी वुमेन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो यस मेरे पाकिस्तानियों, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जेंडर इक्वलिटी रखो, और बच्चों तुम लोग अपनी माओ की कदर करो, क्योंकि वो भी एक रोल मॉडल है हम लोगों के लिए।